नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खूनी बादी बवासीर और बवासीर के मसों का इलाज। पर इससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बार बार बवासीर होती है और मसे बाहर आकर बहुत कष्ट देते हों तो ये घरेलू उपचार और मसों पर लगाने के लिए ये तेल घर पर बनाएं बहुत ही लाभदायक है। तो आइए जानें खूनी बादी बवासीर और बवासीर के मसों का इलाज। 2 सूखे अंजीर शाम को पानी में भिगो दें। इनको सुबह खाने के 1 घंटे के बाद खाएं और सुबह भी 2 अंजीर पानी में भिगो दें। सवेरे के भिगोए 2 अंजीर शाम 4-5 बजे खाएं। 1 घंटा आगे पीछे कुछ ना लें। 8-10 दिन के सेवन से बादी और खूनी हर प्रकार के बवासीर ठीक हो जाते हैं। बवासीर को जड़ से दूर करने के लिए और पुनः ना होने के लिए छाछ सर्वोत्तम है। दोपहर के भोजन के बाद छाछ में 1.5 ग्राम पिसी हुई अजवाइन और 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर पीने से बवासीर में लाभ होता है और नष्ट हुए बवासीर के मसे पुनः उत्पन्न नहीं होते। इसके साथ में मूली बहुत रामबाण है। बवासीर में मूली को पत्तों सहित हर रोज खाने से बवासीर में तुरंत आराम मिलता है। बवासीर के मसों पर लगाने के लिए तेल। अरंडी के तेल को थोड़ा गर्म कर आग से नीचे उतार कर उसमें कपूर मिलाकर व घोल कर रख लें। अगर कपूर की मात्रा 10 ग्राम हो तो अरंडी का तेल 80 ग्राम होना चाहिए, मतलब 8 गुना। अगर कपूर 5 ग्राम है तो तेल 40 ग्राम। पखाना करने के बाद मसों को धोकर और पोंछकर इस तेल को दिन में 2 बार नरमी से मसों पर इतना मले कि मसों में शोषित हो जाए। इस तेल की नरमी से मालिश से मसों की तीव्र शोथ दर्द जलन सुइयां चुभने को आराम आ जाएगा। निरंतर प्रयोग से मसे खुशक हो जाएंगे। बवासीर के मसे सूजकर संगर की भांति मोटे हो जाते हैं और कभी कभी गूदा से बाहर निकल आते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उन पर इस तेल को लगाकर अंदर किया जाए तो दर्द नहीं होता और मस्से नरम होकर आसानी से गूदा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सहायक उपचार। बवासीर की उग्र अवस्था में भोजन में केवल दही और चावल मूंग की खिचड़ी लें। देसी घी प्रयोग में लाएं। मल को सख्त और कब्ज ना होने दें। अधिक तेज मिर्च मसालेदार उत्तेजक और गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से बचें। खूनी बवासीर में छाछ या दही के साथ कच्चा प्याज खाना चाहिए। रक्तस्रावी बवासीर में दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद 1/2 किलो कच्चा पपीता खाना हितकारी है। बवासीर चाहे कैसी भी हो, बड़ी हो अथवा खूनी, मूली भी अक्सीर है। कच्ची मूली खाना या इसके रस का 25 से 50 ग्राम की मात्रा से कुछ दिन सेवन बवासीर के अतिरिक्त रक्त के दोषों को निकालकर रक्त को शुद्ध करता है। बवासीर में विशेष। बवासीर से बचने के लिए गूदा को गर्म पानी से ना धोएं, खासकर जब तेज गर्मियों के मौसम में छत की टंकियों व नलों से बहुत गर्म पानी आता है तब गूदा को उस गर्म पानी से धोने से बचना चाहिए। एक बार बवासीर ठीक हो जाने के बाद बद परहेजी जैसे अत्यधिक मिर्च मसाले गरिष्ठ और उत्तेजक पदार्थों का सेवन के कारण उसके दोबारा होने की संभावना रहती है। अतः बवासीर के रोगी के लिए बद परहेजी जैसे परम आवश्यक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करना ना भूलें। मिलती हूँ कि फ्रेंड्स किसी एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।